नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल सुपर अपडेट्स में। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे जय शंतु सीमा और जय मां वैष्णो देवी फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले जानते हैं जय मां वैष्णो देवी फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। जय मां वैष्णो देवी सन 1994 में आई एक डिवोशनल फिल्म थी। इस फिल्म में गजेंद्र चौहान, किरण जुनेजा, अरुण गोविल, गिरिजा शंकर और राकेश बेदी नजर आए थे। इस फिल्म को शांतिलाल सोनी ने डायरेक्ट किया था और इसकी कहानी लिखी थी दर्शन लाड ने और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था गुलशन कुमार ने। इस फिल्म को 31 मार्च सन 1994 में रिलीज किया गया था। अगर बात करें बजट की तो इस फिल्म का बजट 35 लाख था और इस फिल्म ने इंडिया में 8 लाख का कलेक्शन किया था। आपको बता दो की इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 1 लाख का कलेक्शन किया था तो अपने पहले हफ्ते में 6 लाख का कलेक्शन किया था। वहीं अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म 13 लाख का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और ये फिल्म डिजास्टर साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म के आईएमडीबी रेटिंग की तो इस फिल्म को 7.9 रेटिंग मिले। वहीं बात करें म्यूजिक की तो इस फिल्म के लिए म्यूजिक अमर उत्पाल ने दिए थे। इस फिल्म में कुल 9 गाने थे और सभी गाने सुपरहिट रहे थे। इस फिल्म के साउंड ट्रैक के कैसेट्स उस वक्त बहुत ज्यादा बिकते थे। भले ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप हो गई थी पर इस फिल्म के गाने उस वक्त सुपरहिट रहे थे और अब भी लोग इस फिल्म के गानों को सुनना काफी पसंद करते हैं। अब जानते हैं जय शंतु सीमा फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। जय शंतु सीमा सन 1975 में आई एक डिवोशनल फिल्म थी। इस फिल्म में अनीता गुहा, करण कौशल, आशीष कुमार, भरत भूषण, बेला बोस और महिपाल नजर आए थे। इस फिल्म को विजय शर्मा ने डायरेक्ट किया था, ऐसे प्रोड्यूस किया था सतराम रोहरा ने और इस फिल्म की कहानी लिखी थी आर प्रियदर्शी ने। इस फिल्म को 30 मई सन 1975 में रिलीज किया गया था। अगर बात करें बजट की तो इस फिल्म का बजट 30 लाख था और इस फिल्म ने इंडिया में 5 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन किया था। आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 7 लाख का कलेक्शन किया था तो अपने पहले हफ्ते में 42 लाख का कलेक्शन किया था। वहीं अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 10 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और ये फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म के आईएमडीबी रेटिंग की तो इस फिल्म को 6.8 रेटिंग मिले। ये फिल्म उस साल की दूसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी। वहीं बात करें म्यूजिक की तो इस फिल्म के म्यूजिक सी अर्जुन ने दिए थे और इसके लिरिक्स कवि प्रदीप ने लिखे थे। इस फिल्म में कुल 7 गाने थे और इसके सभी गाने सुपरहिट रहे थे। इस फिल्म के लिए सबसे ज्यादा गाने उषा मंगेशकर और कवि प्रदीप ने गाए थे। वहीं बात करें अवार्ड्स की तो इस फिल्म के लिए प्रदीप को बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड में बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला था तो उषा मंगेशकर को बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला था। तो चलिए फिल्म से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। नंबर 1, इस फिल्म को देखने के लिए लोग दूर दूर के गांव से बॉम्बे आते थे। उस वक्त बहुत ही कम थिएटर्स होते थे जिसकी वजह से इस फिल्म को देखने के लिए थिएटर्स के बाहर भारी भीड़ लगती थी। नंबर 2, इस फिल्म के बाद से संतोषी माँ बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी। इससे पहले उन्हें हर कोई नहीं जानता था पर आज हर कोई संतोषी माँ से परिचित है। नंबर 3, इस फिल्म को सन 2006 में सेम टाइटल के साथ फिर से बनाया गया था पर यह फिल्म बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर साबित हुई थी। नंबर 4, इस फिल्म को देखने के लिए थिएटर के अंदर जाने से पहले लोग चप्पल जूते उतार कर अंदर जाते थे। नंबर 5, इस फिल्म में अनीता गुहा ने संतोषी माँ का रोल निभाया था और इस फिल्म के बाद उन्हें देखने के लिए उनके घर के बाहर भारी भीड़ लगी रहती थी। कई लोग उनके पैर तक छूकर उनसे आशीर्वाद लेते थे। दोस्त इस बार मैं ये नहीं पूछूंगा कि कौन सी फिल्म ज्यादा अच्छी लगी थी क्योंकि ये दोनों ही फिल्में भगवान पर बनी थी और मैंने दोनों फिल्में बचपन में देखी थी और मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी। पर इतना जरूर कहूंगा कि अगर इन दोनों फिल्मों से आपकी कोई यादें जुड़ी है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें ना भूलें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।